नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनोटेक चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कॉमन बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करना, और साथ में आज मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि जो प्लम्बर कम पैसे में काम लेते हैं वो किस तरह से गंदा काम करते हैं। दोनों में फ़र्क दिखाऊँगा, स्टैंडर्ड काम में और नॉर्मल काम में। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से आप देखिए, समझिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, बाथरूम के अंदर हूँ मैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पाइप है, साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये टॉयलेट वाला है, ड्रेनेज वाला है। इसका वीडियो मैंने दिया था, ये अपना चला गया है ऊपर। उसके बाद देखिए मेरा दो पाइप दिख रहा है, एक पाइप जो है यहाँ पे ये जो राइट साइड वाला है ये अपना फ्रेश वाटर है, मोटर वाला नीचे से जा रहा है ऊपर टैंक को भरेगा। उसके बाद ये आउटलेट है, टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए, 1 इंच का है, लेकिन इसको मैं रिड्यूस करूँगा ऊपर, ये जो है 1 से 1.25 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बाथरूम है इसका जो हाइट है टैंक से वो 45 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंदर 1 इंच लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो है अगर 40 फीट का हाइट है, 50 फीट का हाइट है अगर, तो फिर इसको आप 30 फीट ले जाइए 1 इंच, उसके बाद इसको रिड्यूस कर दीजिए 1.25 इंच से। इसमें 1 इंच की पाइप से ही प्रेशर तगड़ा आएगा। देखिए इस तरह से नीचे लिया, एक एल्बो दिया, उसके बाद जो है ये पाइप के पीछे इस तरह से आ रहा है। ज़्यादा एल्बो नहीं लगाना है, एल्बो जो है हमेशा प्रेशर को डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर देखिए लॉन्ग एल्बो बनाया मैं, डबल 45 लगा के लॉन्ग एल्बो बनाया। एल्बो पे जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, इसलिए कोशिश करिए आप 45 दीजिए। देखिए 2 45 दिया, आगे लिया। अब ये कोल्ड वाटर है टैंक वाला मेरा, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, टी दिया, टी दे के इसको मैं नीचे लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ओवरबैंड दिया। कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है ना वो आपको नहीं लगाना है, मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए इस तरह से। अब ये जो है ना ये कोल्ड वाटर ही लाइन है, गीजर के लिए जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो पाइप है 3/4 का है, सावर का है। यहाँ पर देखिए सावर के लिए पॉइंट मैं दे दिया, ठीक है। अभी बता रहा हूँ इसका हाइट वगैरह कितना रखना है। देखिए गीजर के लिए है। अब देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। उसके बाद ये जो है अपना है ये हॉट वाटर है, इसमें हॉट वाटर रहेगा, इसके लिए 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। अब देखिए कभी भी जब भी आप पॉइंट बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रहेगा। अब हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच भी रख सकते हैं। टाइल्स वाले सर्फेस से इसका जो हाइट है गीजर के पॉइंट का वो कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी पॉइंट आप समझिए, यहाँ पे देखिए गीजर को भरने के लिए यानी कि कोल्ड वाटर जो है इसके लिए आप किसी भी साइज़ का पाइप डालें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा हो गया, पौना हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 2 हो गया, 1.5 हो गया, कोल्ड वाटर के लिए साइज मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, इसमें गलती से कोई प्लम्बर यहाँ पर 1 इंच का पाइप डालता है तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे। इसलिए ध्यान रहे यहाँ पे हमेशा हॉट वाटर के लिए आपको 1/2 इंच या फिर 1.25 का पाइप डालना है, क्योंकि देखिए इनलेट में जो है ये अपना 1/2 इंच पानी जाएगा, फ्लो तो 1/2 इंच होगा, और अगर यहाँ पे कोई मोटे डाय का पाइप डाल दिया तो प्रेशर 100% फ्लैक्चुएट होगा, प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अभी ये 1/2 का पाइप है, इसकी जगह पर कोई 4 इंच पाइप डाल दे तो उसके इसमें क्या होगा, 4 इंच का पाइप पहले पानी से भरेगा, जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक खूब तेज़ी से प्रेशर देगा, जैसे ही पाइप का पानी खाली होगा प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो कम ज़्यादा करके आएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे 3/4 का पाइप डालना है सावर में, उसके बाद ये अपना ये गीजर में हॉट वाटर के लिए, कूल वाटर के लिए साइज मैटर नहीं करता है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे आया, आगे एल्बो दिया, हॉट वाटर है, एल्बो देखिए इस तरह से नीचे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी देखते जाइए पूरा काम किस तरह से हुआ है, और जो नॉर्मल प्लम्बर करते हैं कम पैसे में पर स्क्वायर फीट में जो करते हैं ना वो किस तरह से करते हैं, फ़र्क अभी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना है, फ़र्क आपको दिख जाएगा नॉर्मल काम में और इस काम में, इस तरह से करने में ठीक क्या फ़र्क होता है। देखिए हॉट वाटर है, ये सावर आउटलेट है, नीचे लिया। उसके बाद कोल्ड वाटर भी इस साइड आप देख रहे हैं, देखिए टी से ये कोल्ड वाटर इस तरह से नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए टी दिया, टी दे के इसको मैं रिड्यूस किया, ये कोल्ड वाटर है रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुझ दे के रिड्यूस किया, टी दिया। अब इस यहाँ पे देखिए कंसील दिया हूँ, ये जो कंसील है लोकल नहीं है, जैकुआर का है, ठीक है, कोई भी लोकल कंपनी आपको नहीं चूज करना है, आरस पारस जो भी दुनिया भर के आ रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है जैकुआर आप चूज करिए। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको अच्छा काम करना होगा। अच्छा काम आप कैसे करेंगे, जब जो है आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए कंसील दिया यहाँ पे 3/4/3/4 का, ये जैकुआर का है, इसका जो स्पैंडल होता है इसमें 1/2 इंच का होता है, प्रेशर पूरा दबा के आएगा। उसके बाद आउटलेट के लिए यहाँ पे इस तरह से देखिए सावर के लिए है, मैं निकाल दिया। सावर का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे,
ठीक है। अगर 7 फीट का ही सीलिंग है आपका, तो देखिए 7 फीट का ये भी है, 7 फीट से थोड़ा सा नीचे कर देंगे 3 इंच, ताकि शावर को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ब्रास MTA लगाना आपको। कई बार जो है जब कस्टमर उधार माल खरीद के लेके आते हैं दुकान से, तो दुकानदार यहाँ पे PVC MTA देता है, ठीक है। तो दुकानदार के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में, किसी भी तरह के कमीशन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जो है सिर्फ अपनी ब्रांड पे फोकस करना है अपने लिए, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे ना, तभी आपका मार्केट में अच्छा ब्रांड क्रिएट होगा, आपको आगे का काम मिलेगा। आप अच्छा काम करेंगे, एक कस्टमर जो है 100 से जाके चिल्लाएगा, वही काम अगर ख़राब करेंगे तो 200 लोगों से जाके चिल्लाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छाई जो है फैलने में टाइम लगता है, बुराई फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो अच्छा काम आप करिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे हुआ है, ब्रास MTA आपको देना है, टेप्लॉन जो है प्रॉपर आपको लगाना है। यहाँ पे आधा इंच का जो ब्रास MTA है, इसमें जो इसका लगाने का शेड्यूल है वो मिनिमम 30 राउंड, मैक्सिमम 35 राउंड तक टेप्लॉन को आप लगाएंगे। हॉट वाटर है 1.45 दिया, इस तरह से नीचे लिया। देखिए किस तरह से किया गया है, फर्क आपको दिख रहा है कि समझाऊँ मैं। देखिए नए प्लम्बर यहाँ पे एल्बो लगाएंगे, इतना एल्बो लगाएंगे, दबा के लगाएंगे, पूरा प्रेशर की जो है ऐसी की तैसी कर देंगे, पूरा चौपट कर देंगे। अब 45 में क्या होता है, यहाँ पे पानी जो है स्लिप करता है, एल्बो में जो है प्रेशर धक्का लगता है, प्रेशर लगते 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 धक्का लगते लगते कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए 45 दिया, 3/4 by 1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये अपना हॉट वाटर हो गया, उसके बाद ये अपना कोल्ड वाटर हो गया, उसके बाद ये वाला अपना फ्रेश वाटर हो गया मोटर वाला, ठीक है। इस तरह से काम हुआ। उसके बाद इस टी से नीचे लिया, एक टी देके इसको मैं भेज रहा हूँ टॉयलेट वाले एरिया में। उसके बाद एक एल्बो दिया, रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके रिड्यूस किया। अब इस तरह से लाइन आगे जा रहा है, एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, ये गया अपना वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। 9 इंच का वाल है बाथरूम का, ये जहाँ पे डोर लगेगा। अब देखिए फिर इधर एक एल्बो आया, इधर एक एल्बो आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया 3/4 by 1/2 का ब्रास एल्बो। अब ये जो है ना, ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, यहाँ पे पहले से ही क्लियर है, यहाँ पे पेडेस्टल वॉश बेसिन आएगा। तो पेडेस्टल वॉश बेसिन का पॉइंट जब भी आप बनाएं, तो इस तरह से अगर वॉश बेसिन का पॉइंट आपको देना हो, तो मिनिमम जो हाइट है वो आपको 22 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 24 इंच तक रख सकते हैं, उससे ऊपर आप मत रखिए। अदरवाइज जो एंगल वाल है ना, अगर नॉर्मल वॉश बेसिन लग रहा है तो टकराएगा। तो वॉश बेसिन का जो पॉइंट है, मिनिमम हाइट आप 22 इंच रखें, मैक्सिमम इसको आप 24 इंच रखेंगे। अब देखिए ये इस तरह से आगे आ रहा है, एल्बो का जो यूज है वो कम से कम करना है, और मिनिमम जो डिस्टेंस है ना एल्बो टू एल्बो के बीच का, वो 1 फीट होना चाहिए। तो अभी देखिए ये 8 इंच है, ये गलत है, कोशिश आप करिए एल्बो कम से कम आप यूज करिए। देखिए इस तरह से आ रहा है वापस बाथरूम वाले एरिया में, देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और ये देखिए ये मेरा हो गया अपना 3 टाइप यहाँ पे दिया मैं, ऊपर ये कंसील्ड है। अब इसका हाइट आप मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 3 टैप लगेगा। अब इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से, मिनिमम आप 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। किस तरह से फिटिंग हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छा ही नहीं दिखाना है मुझे, काम से मतलब है, काम बढ़िया होना चाहिए। एस्ट्रल का पाइप लगा है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद फिटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, फिटिंग का तरीका कैसा है। अब देखिए यहाँ पे आया इस तरह से, ये अपना कोल्ड वाटर है और ये अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला है, दोनों पाइपलाइन 1 इंच का है, इस तरह से आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आया, टी देके इसको मैं नीचे लिया। अब यहाँ पे मेरा ये है जो है ना, ये कमोड के लिए पॉइंट मैं दिया हूँ। ये वाला कोल्ड वाटर है अपना फ्लशिंग के लिए, फ्लश के लिए। उसके बाद ये वाला जो है मेरा ये जेट के लिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर ये जो पहले से ही डिसाइड हो किस तरह का कमोड आएगा, उस हिसाब से पॉइंट आप दे सकते हैं। हालांकि कोई भी कमोड लगे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फ्लश का पॉइंट है ना, इसको मिनिमम आप जो है 20 इंच रख सकते हैं, और मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। देखिए ये फ्लश का पॉइंट हो गया। तो मेरे केस में यहाँ पे वन पीस कमोड आएगा, कंबाइंड कमोड आएगा, जिसका जो फ्लश अटैच रहता है इटालियन कलेक्शन वाला। तो इसका जो हाइट है इसको मैं 22 इंच पर रखा हूँ, ये मैक्सिमम है, मिनिमम आप 20 से 22 तक रख सकते हैं। ये अपना जेट के लिए है। अब ऊपर वाला दोनों पाइपलाइन मेरा फ्रेश वाटर जो है इस तरह से, उसके बाद ये कोल्ड वाटर टैंक वाला इस तरह से आया यहाँ पे, और पाइप के पीछे से टी लगा के इसको मैं बाहर भेज दिया दोनों पाइपलाइन को। अब ये जो है जाएगा डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट हो जाएगा, और मोटर के पास जो है एक आंगन टाइप का एरिया है, OTS है, वहाँ पे एक टैप मुझे देना है, इसलिए टी लगा के दोनों को निकाल दिया। अब इस तरह से पाइप के पीछे से ये लाइन मेरा यहाँ पे आ रहा है, एक एल्बो दिया, एक एल्बो लगा के इसको मैं उठा दिया हूँ ऊपर, ये गया मेरा मेन में, ठीक है, ये जाके मेरा टैंक में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये लाइन मेरा जो है ये रिड्यूस हो गया था कोने में ही, टी के पास से रिड्यूस हो गया है, ठीक है, टी से रिड्यूस करके 3/4 कर दिया। क्योंकि जो है देखिए ये भी आपको बचाना है, अगर एक टैप या फिर दो टैप है उसके लिए आपको 1 इंच का पाइप नहीं लगाना है, ठीक है।
अगर ज़्यादा दूर लेके जाना है, जैसे 10 फीट हो गया, 15 हो गया, तो उसके इसमें आप जो है पाइप को 1 इंच लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे 3-4। देखिए इस तरह से यहाँ पे किया गया, एल्बो दिया, टी दिया, टी देके इसको मैं बाहर भेज दिया, बाहर मुझे एक टाइप देना है, देखिए होल करके निकाल दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आप कमोड के लिए सेटअप आप कैसे बनाएंगे जेट का, हेल्थ फ्यूचर का। यहाँ पर देखिए टी दिया, टी देके इसको मैं यहाँ पर ले लिया, 3/4x1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये अपना जो है हेल्थ फ्यूचर का पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर एक कंसील दे दिया जेट का ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ पर कंसील देने का रीजन ये है ना, देखिए यहाँ पे अगर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में या फिर पीछे एंगल वाल देंगे तो जो है कस्टमर को यूज करने में असुविधा होती है, प्रॉब्लम होता है, कस्टमर यहाँ पे इतना खर्चा क्यों करता है, काम क्यों करवाता है इतना बढ़िया, इसलिए ताकि जो है उनको असुविधा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे कंसील दिया हूँ। अब कस्टमर यहाँ पे कमोड का पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कमोड है। अब कमोड पे कस्टमर जो है इस तरह से बैठ के, देखिए यहाँ पे बैठ के ईजिली जो है, देखिए किस तरह से घुमा रहा हूँ मैं, देख रहे हैं ना कितना फ़र्क यहाँ पे आएगा। अब जो है प्लम्बर क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे पॉइंट दे दिया तो ऐसे करेगा, ऐसे घुमाएगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए कंसील यहाँ पे दिया हूँ। और ये भी जैकवार का है, लोकल नहीं है, जैकवार का कंसील है, 3/4 का स्पेंडल है, पूरा दबा के प्रेशर आएगा। और यहाँ पे देखिए इसलिए इसको मैं यहाँ पे दिया हूँ क्योंकि जो है देखिए दिक्कत तो होता है, प्लस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये पाइप जो है लटकता है पूरा यहाँ पे। 2-वे एंगल वाल आप लगाएंगे, एक जेट में जाएगा और एक हेल्थ फ्यूचर में होगा, तो ये पाइप पूरा लटकता है, गंदा दिखता है, बैठने के बाद ये जांग से ये पाइप टकराता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंसील दिया। जो भी पाइप होगा पूरा पीछे से यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, देखिए पीछे जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा कमोड इंस्टॉल हो जाएगा, जेट का पाइप यहाँ से आके इसमें जेट में कनेक्ट हो जाएगा, पाइप लटकेगा नहीं, इस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फर्क कैसे दिख रहा है, जो नॉर्मल काम है नॉर्मल प्लम्बर का और यहाँ पे जिस तरह से मैं करवाया हूँ उस काम में, देखिए फर्क आपको किस तरह से दिख रहा है।